दोस्तों, गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेसन कवर कर दिए हैं और आज हमारा नेक्स्ट लेसन है दोस्तों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट वन पार्ट टू दोनों ही हम कवर करते जा रहे हैं, और जैसे ही ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा देन इलेवेंथ का भी सिलेबस हम आपको कवर करके देंगे। तो अभी तक अगर आपने अपने स्टडी को कंप्लीट नहीं किया होगा या स्टार्ट नहीं किया होगा तो अभी भी आप स्टार्ट करके पूरा का पूरा पार्ट हमारे साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेसन तो बहुत सिंपल सा है, बट इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को अच्छे से याद रखना है, और कुछ चीजें यहाँ पे मैं मेंटोस ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा जिससे आपके जो सम्स हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स एन क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। कहीं कहीं पे बुक्स में नोटेशन चेंज है, यहाँ पे आर दिया है तो उससे आपको डरना नहीं है। तो क्या एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। देन यहाँ पे अगर आपको इस फॉर्म में भी दिया होगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया होगा तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि भाई यहाँ पे जो पहला वैल्यू है वो हमेशा एन का होता है और दूसरा वैल्यू पी का होता है, नो प्रॉब्लम। देन इसके बाद कभी कभी वो मीन मीन को ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला एक ही होता है भाई, नो प्रॉब्लम, लाइफ में नो प्रॉब्लम। देन इसके बाद अगर आप देखोगे वेरियंस, तो वेरियंस का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसका नोटेशन ये है और इसका फॉर्मूला है भाई नो प्रॉब्लम क्यू, हो गया याद हो गया। देन इसके बाद अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड एविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं, बस आपको क्या करना है नो प्रॉब्लम क्यू को ही बस आपको क्या करना है अंडर रूट फॉर्म में ले लेना है। सर आपने तो बहुत इजी तरीके से पूरा फॉर्मूला याद करवा दिया। देन इसके बाद दोस्तों कुछ चीजें इलेवेंथ की है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको मैं सब चीजें यहां पे आपको बताने वाला हूं। अगर इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, फाइव थ्री थ्री स्टेप आपको फाइव के उल्टा जाना है। फाइव के बाद पहले कौन आता है, फोर, एंड फोर के पहले क्या आता है, थ्री। देन यहां पे आपको क्या करना है, वन से स्टार्ट करना है, वन टू थ्री, यहां पे आपको इस तरह से लिखना है। देन ये थ्री थ्री कैंसर, देन टू वन सा टू टू सा, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों, टेन। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करना है, टू स्टेप पीछे जाना है मतलब फोर, देन यहाँ पे वन और टू, देन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आंसर टेन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों के आंसर सेम कैसे आ गए, तो हमेशा एक चीज याद रखना, कहीं पे भी अगर ऐसे है, कहीं पे भी दोस्तों अगर ऐसे है तो ये दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं। अगर आप इसमें से अगर जैसे यहाँ पे सेवन माइनस फोर करोगे तो कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो मतलब समझ जाना कि इसको आप माइनस करके ये दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। तो कभी अगर समझो ऐसा है, फाइव सी फोर है और फाइव सी वन है, अगर आप देखो फाइव में से वन को माइनस कर रहे हो तो फोर आ रहा है, तो आप बिना मतलब का बड़ा नंबर मत लेकर आओ, क्योंकि वन है छोटा नंबर है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर कहीं पे ऐसे बड़े नंबर दिख रहे हैं तो आप माइनस करके ट्राई करो, उसको छोटा करके फिर आप सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आएगा। बाद में आपको फाइव सी जीरो फाइव सी फाइव ये इसके आंसर्स पता होने चाहिए, वन है और इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, फाइव आएगा। तो ये इतना सा ये सब लेसन के लिए आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए, अगर समझो पी का वैल्यू है, पी को हम सक्सेस बोलते हैं और इसको हम फेलर बोलते हैं, तो यहाँ पे पी अगर समझो वन बाय टू है तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट टू ले लो, और यहाँ पे कितना है वन है ना, तो इस टू में से वन को माइनस करो तो वन आएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे यहाँ पे समझो थ्री है तो यहाँ पे भी आप थ्री ले लो, और थ्री में से वन को माइनस करो तो टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू बाय थ्री, ऐसे आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पे अगर समझो सेवन है, यहाँ पे भी सेवन ले लो, सेवन माइनस वन सिक्स। और एक और चीज़ याद रखना, फर्स्ट पेज पर ही मुझे बताना था पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू वन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हाँ यहां से हम सम स्टार्ट करते हैं। देखो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी सम अपने मन से उठा के ला रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछे गए उसके ऊपर ही दे रहा हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 18, मीन मतलब आपको पता है मीन मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला मीन का फॉर्मूला क्या था, नो प्रॉब्लम, मतलब अपने को नो प्रॉब्लम कितना दिया, 18। एंड वेरियंस मतलब नो प्रॉब्लम क्यू, नो प्रॉब्लम क्यू का हमें आंसर दिया दोस्तों 12। अब आपको पी का वैल्यू निकालना है, कभी भी अगर इस तरह से अगर कुछ दिया है तो आप डायरेक्ट क्या करो पता है, एन पी क्यू को, ये आपने ट्वेल्थ में भी सम किया होगा, एन पी इसको इससे डिवाइड कर दो, इसका वैल्यू कितना था 12, इसका वैल्यू कितना था 18। अब देखो यहाँ पे एन पी एन पी कैंसिल हो गया तो क्यू इक्वल टू डायरेक्ट मिल गया, देखो सिक्स टू जा सिक्स थ्री जा टू बाय थ्री, तो यहाँ पे टू बाय थ्री मिल गया, तो भाई पी तो आपने को सर ने सिखाया है, थ्री यहाँ डायरेक्ट लिखो, थ्री माइनस टू क्या वन, तो वन बाय थ्री आया, वन बाय थ्री का है भाई ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा
मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्तों। अभी ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में लेता हूँ, पहले आगे के क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ इधर यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ मीन एंड द वैल्यू ऑफ वेरियंस दोनों दिया हुआ है तुम्हें। मीन कितना दिया है, फिर से हमें वही एनपी हमें कितना दिया है दोस्तों, 18। बाद में वेरियंस मतलब एनपीक्यू अपने को कितना दिया, 12। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स अपने को फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे निकालना है। देखो एन पी क्यू अपॉन एन पी इक्वल टू क्या आया, 12/18। तो यहाँ पे देखो एन पी एन पी कैंसिल हो गया, तो क्यू इक्वल टू क्या आया दोस्तों, ये 2 जा और ये क्या आया, 3 जा, तो ये क्या आया, 2/3। पर अपने को पी निकालना है, पी कैसे आएगा दोस्तों, तो आपको मैंने सिखाया है 1/3। ये तो आपने सेम ये सम पीछे की तरह ही है, देखो 2017 में पूछा है और 2019 में इसका, ये 2017 में इससे ज़्यादा पूछा था, फिर 19 में उन्होंने क्या किया, बस इतना ही पूछा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप क्या करो पता है, किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, जैसे पी का वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ, एन है, पी का वैल्यू क्या है, 1/3 है और यहाँ पे 18 है, तो एन इक्वल टू ये 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 3 = 54। 54 ऑप्शन नंबर है, राइट आंसर है, सॉल्व हो गया। इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पे हमें ई ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और हमें वेरिएंस का वैल्यू दिया है, मतलब अपने को एनपी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5, और एनपी क्यू का जो वैल्यू है कितना है, 2.5। और देन हमें देखो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब क्या आएगा, 0 आएगा, तो अपने को 0 का निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें पी और क्यू नहीं दिया, तो आप पी और क्यू निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, देखो एन पी क्यू ये पहले लिखा सिखा दिया हो आपको एन पी, देखो तीसरा सम है, सेम टू सेम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 5। तो ये देखो ये एन पी कैंसिल हो गया, तो क्यू इक्वल टू क्या है, 1/2। ये देखो 1 जा 2 जा, क्यू इक्वल टू मिल गया, तो पी इक्वल टू भी कितना आएगा, 1/2, ये भी आपको पता चल गया। और यहाँ पे अगर P इक्वल टू अगर आपको 1/2 चल गया, तो N इक्वल टू भी आप पता कर सकते हो। ये देखो ये अगर 1/2 है, तो P N इक्वल टू आपका कितना आएगा, 10, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको पता चल गया तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, N मतलब 10, C X की जगह पे आप क्या लोगे, X लेस देन 1 है तो यहाँ पे 0 लोगे, P की जगह पे, Q की जगह पे, देखो वो जो फॉर्मूला था एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, वही वाला अप्लाई करो, 1/2 1/2, यहाँ पे डायरेक्ट 0, यहाँ पे इसको माइनस करने पे 10, ये पूरे का आंसर 1, ये पूरे का भी आंसर 1 और ये पूरे का आंसर 1/2 रेस टू 10। तो फाइनली ये आंसर आएगा 1/2 रेस टू 10, कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप फटाफट चीजों को सॉल्व कर सकते हो बिना टेंशन लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को भाई एन का वैल्यू दे दिया, पी का वैल्यू दे दिया, पी का दे दिया, तो एन का वैल्यू इन्होंने 5 दिया है, पी का वैल्यू दिया है 1/3, तो क्यू का वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2/3, इसमें से इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट आ गया, सिखा दिया हूँ। देन इसके बाद देखो ये पी जो जो एक्स है वो किसके किसके बीच में निकालना है, 2 और 4 के बीच में निकालना है, तो मतलब अपना एक्स का जो वैल्यू क्या है, 3 है। अपने को 3 पे क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे सी ले लो, एन कितना है, 5, यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे पी क्या आएगा, 1/3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3, यहाँ पे क्या आएगा, 2/3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसमें से माइनस करो, 2। देन यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो 5C3 को मैं 5C2 से भी सॉल्व कर सकता हूँ, या तो 5C3 से ही करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 कैंसिल, 2 जा, तो फाइनली यहाँ पे 10 आया। और यहां पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये 1/3 और ये 3 का क्यूब आई थिंक 27। देन यहां पे अगर मैं करूं तो ये 2 का 4 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो 10 4 = 40, तो दो दो जगह पे 40 है, तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों में से कोई आंसर है, बस 27 × 9 करना पड़ेगा। बाद में 243 243 मतलब ऑप्शन नंबर बी। प्लीज घर पे अच्छे से स्टडी करते रहो जिससे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो यहां पे 15 कॉइंस आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 हेड। अब देखो यहां पे हेड और टेल की बात है,
सबसे पहले 15 कॉइन हमें हमने क्या किया 15 कॉइन हमने क्या किया टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 हेड्स। तो यहाँ पे दोस्तों एन इक्वल टू कितना आएगा 15 जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे हेड की बात है, हेड और टेल का तो आपको पता है इसका जो पी और क्यू का वैल्यू क्या आएगा हाफ आता है, हाफ पॉसिबिलिटी हेड की होती है और हाफ पॉसिबिलिटी टेल की होती है, तो हाफ हाफ आएगा हमेशा याद रखना। एंड दोस्तों इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो फॉर्मूला क्या है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा एन की जगह पे क्या आएगा 15 सी, यहाँ पे एक्स कितना है गेटिंग 10 हेड्स तो यहाँ पे क्या आएगा 10, पी का वैल्यू क्या आएगा 1/2, एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 10, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा 15 - 10 यहाँ पे क्या आएगा 5। अब आपको इसी को ही सॉल्व करना है, अगर आप चाहो तो इसको और छोटा बना सकते हो, 15 सी 10 का ही मतलब होता है 15 ऐसे ही आएगा 15 - 10 5, अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो 15 × 14 × 13 × 12 × 11 1 2 3 4 5 और नीचे क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 4 3 12 12 कैंसिल हो गया, 2 7 एंड 5 3 तो 7 3 21 × 13 × 11 ये पूरे को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये बचा, तो ये वाला पार्ट हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाता हूँ क्योंकि ये पूरा सॉल्व किया हुआ आंसर है, तो अब भाई ये आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लेना, मैं मोबाइल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। 21 × 13 × 11 तो ये मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा कितना है 3003 ये आया, देन 3003 आया तो मुझे तुरंत क्लिक हो गया, देखो ये इतना ही मल्टीप्लाई किया तो ही मुझे आंसर आ गया 3003 ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे अगर मेरे पास टाइम भी है तो इसको क्लिक करके आगे निकल जाओ, क्योंकि देखो 1:2 कुछ भी रहेगा 1 ही आता है, 1:5 है तो 1 ही आएगा, बस अब नीचे का 2:10 आंसर निकालना है, 2:5 तो मुझे पता है, देखो ये वाला भी आप फास्ट निकाल सकते हो 2:10 को ही मैं, ये देखो 2:10 है और यहाँ पे क्या है 2:5 तो जनरली सबको पता होता है 32 होता है, और यहाँ पे 2:10 को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ 32 और 32, तो ये 32 को 3 times मल्टीप्लाई कर लो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप कर लेना, 32 32 33 को 32,000 अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा 32,768 ऑप्शन सही हो गया। तो इसलिए कभी कभार बस ऊपर का ही, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट तो ऊपर का ही पार्ट अगर आप सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन उन्होंने 2011 में पूछा, 9px = 4 and px = 2। अब यहां पे आपको क्या करना है 9 यहां पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n का वैल्यू उन्होंने दिया है तो यहां पे 6 यहां पे डायरेक्ट x की जगह पे क्या आएगा 4, p का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया तो p^4 ऐसे ही आएगा और q^6 - 4 क्या आएगा 2। सेम यहां पे एन का वैल्यू उन्होंने 6 दिया है, यहाँ पे 2 आएगा, p^2 क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट 2 और q^2 क्या आएगा यहाँ पे 4। अगर आप देखोगे तो देखो ये 6 - 4 कितना होता है 2 होता है, तो 6 c 2 इसका मतलब भी तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये p4 है और ये p2 है, तो ये p2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे p2 बचा, यहाँ से q2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे भी क्या बचा q2 बचा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे 4 था P4 था तो उसमें 2 गया तो P2 बचा और ये तो पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा Q2 बचा है। और अगर इस तरह से बचने के बाद ये देखो ये 9 ये P2 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 - P, मैं इसे 1 - P कैसे लिख रहा हूँ देखो P + Q = 1 तो Q = 1 - P, क्यू की जगह पर मैंने 1 - P लिखा। अब मैं क्या करूं पता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो गया यार, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड ले ले रहा हूं, फटाफट से स्क्वायर रूट ले लो तो ये क्या हो जाएगा 3, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया p हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 1 - P तो ये क्या हो जाएगा 3p, वहां का p यहां आ जाएगा 1 तो ये क्या हो जाएगा 4p
और विच इज इक्वल टू वन, देन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 है क्या आंसर में? यस, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद अगर हम आते हैं, देखो अब यहाँ पे दो टॉइन को हमें दो कॉइन को हमें टॉस करना है। तो n इक्वल टू 2 हो गया, द वैल्यू ऑफ ई एक्स, हमें ई एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब ई एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब अपने को क्या निकालना है, एन पी का वैल्यू। तो n इक्वल टू तो अपने को पता ही चल गया, एन कॉइन है तो भाई p का तो 1/2 आएगा, देन फाइनली आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अ डाई इज थ्रो 4 टाइम, तो मतलब अपने को n इक्वल टू पता चल गया 4 है, एंड देन इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो अगर आप देखोगे तो डाई के ऊपर जो नंबर्स होता है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो टोटल अगर आप p का वैल्यू निकालोगे तो टोटल 6 नंबर्स होते हैं, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है भाई, 1 है और 4 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, दो ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फाइनली इसका आंसर क्या है, 1/3। तो q का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2/3 सिखाया हूं मैं। देन इसके बाद देखो ना, ये 3 में से 1 गया तो 2 आया, अब ये हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एटलीस्ट 1 थ्रो। अब यहाँ पे एटलीस्ट 1 बोला है, कम से कम क्या है यहाँ पे, 1 है, तो आप 1 से ज़्यादा भी ले सकते हो, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कितने थ्रो बोला है, 4 बोला है, तो 1 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। पर अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 बोला ना, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो पता है, इसका आंसर निकालने के लिए 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ले लो, उल्टा चले जाना। अगर एटलीस्ट 1 बोला, 1 से बोला, तो 1 से आप इतना प्लस करने से अच्छा है आप उल्टा सॉल्व कर दो, एटलीस्ट 1 से अच्छा है कि 1-0 कर दो। तो 1 ऐसी है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको सिस्टमेटिक समझा होगा और वीडियो को बहुत ही अच्छे से आपने देखा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहो, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा प्लीज़ नीचे मुझे बोलना, तो वैसे ही हम और चीज़ें लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।